दोस्तों आई होप कि आज का स्मैकडाउन आपने देखा होगा। तो फाइनली द उसोज ने रो एंड स्मैकडाउन टेक टीम चैंपियनशिप्स को जीत लिया है। वैसे गाइज आज इस वीडियो में माइक यूज नहीं हुआ है, तो वॉइस जैसी भी है एक बार के लिए काम चला लो। तो गाइज अगर आपने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड नहीं देखा तो आज स्मैकडाउन के मेन इवेंट में द उसोज वर्सेज आरके ब्रो का टेक टीम यूनिफिकेशन मैच होता है, जिसमें रोमन रेंग्स इंटरफेरेंस करते हैं और द उसोज ने रो एंड स्मैकडाउन टेक टीम चैंपियनशिप्स को जीत लिया है और बन गए हैं न्यू अंडिस्प्यूटेड टेक टीम चैंपियंस। लेकिन दोस्तों मैच के बाद रोमन रेंग्स एंड द उसोज रिडल एंड रैंडी ओर्टन पर बुरी तरह से अटैक करते हैं। तो अब यहाँ पर रियल रीजन सामने आया है कि ब्लड लाइन ने आरके ब्रो पर आखिर अटैक क्यों किया। तो गाइज सबसे पहले सेंस यहाँ पर है कि रोमन रेंग्स लास्ट वीक जो हाइनी रिडल ने रोमन रेंग्स को लगाई थी उसका रिवेंज लेना चाहते थे। और दूसरा बड़ा रीजन है कि WWE ब्लड लाइन एंड आरके ब्रो के बीच फिलहाल स्टोरी का एंड नहीं करना चाहती, और इसके पीछे जो रीजन है वो शायद आपको खुश कर देगा, क्योंकि WWE ने रोमन रेंग्स एंड उनकी अंडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप्स के लिए नेक्स्ट 3 अपोनेंट चूज कर लिए हैं, जो उनसे मनी इन द बैंक, समर स्लैम एंड क्लैश ऑफ द कैस्टल में फाइट करेंगे। तो अब हेल इन ए सेल के लिए रोमन रेंग्स शेड्यूल नहीं है, तो ओब्वियसली रोमन रेंग्स हेल इन ए सेल में किसी तरह का मैच नहीं लड़ेंगे। लेकिन हेल इन ए सेल के बाद WWE के लगातार 3 बड़े स्टेडियम इवेंट होंगे, प्रीमियम लाइव इवेंट होंगे, जहां पर रोमन रेंग्स फाइट करेंगे। तो मनी इन द बैंक, समर स्लैम एंड क्लैश ऑफ कैस्टल में रोमन रेंग्स है वो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स मनी इन द बैंक में रोमन रेंग्स के अपोनेंट होंगे रिडल, समर स्लैम में रोमन रेंग्स के अपोनेंट होंगे रैंडी ओर्टन, जो कि एक ड्रीम मैच है, और फाइनली ये मैच समर स्लैम में होने वाला है। और इसके अलावा क्लैश ऑफ कैस्टल में रोमन रेंग्स के अपोनेंट होंगे ड्रू मैकइंटायर, क्योंकि क्लैश ऑफ कैस्टल ड्रू मैकइंटायर के होम टाउन UK में होगा, जहां पर रोमन रेंग्स एंड ड्रू मैकइंटायर का WWE अंडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप्स के लिए मैच होगा। तो कुल मिलाकर WWE ने रोमन रेंग्स के लिए नेक्स्ट 3 अपोनेंट चूज कर लिए हैं, और इसी स्टोरी को कंटिन्यू रखने के लिए आज ब्लड लाइन ने आरके ब्रो पर बुरी तरह से अटैक करा है, ताकि आरके ब्रो एंड ब्लड लाइन के बीच जो बिल्डअप काफी टाइम से बना हुआ है वो कंटिन्यू रहे। वैसे आप लोग रोमन रेंग्स के इन मैचेज में से किस मैच के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके बताओ, और द उसोज के न्यू यूनिफाइड टेक टीम चैंपियन बनने पर आपके क्या थॉट्स है, क्या रिएक्शन है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।